गाइस, दिस इज आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है एक बहुत ही अच्छा, एक प्यारा सा व्लॉग जो मेरा क्लोज टू माय हार्ट है, जो लास्ट ईयर मैंने किया था, वो है गणपति फेस्टिवल व्लॉग। आज गणपति बापा को लेने जा रहे हैं। सेकंड को गणपति होता है, सेकंड सितंबर को, बट हम फर्स्ट नाइट को ही हम जाके गणपति लेके आ जाते हैं। तो कुछ ये मेरा गणपति का बात का ये लुक है, कुछ इस तरीके से मैं कुर्ता पहनी हुई है। मेरा ओल्ड बैकग्राउंड, मेरा प्यारा सा बैकग्राउंड, उसमें मैं कर रही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट टाइम भी एक बैकग्राउंड दिखाई थी, इस टाइम का बैकग्राउंड है, फिर से पेंट किया गया है। तो वो कम्प्लीटली व्लॉग दिखाऊंगी, जितना मुझे कैप्चर कर पाऊँ मैं उतना दिखाऊंगी, कैसे हम गणपति लेके आते हैं, गाड़ी में रखते हैं, वहाँ से कैसे लेके आते हैं घर तक, मंडप तक कैसे हम लोग रखते हैं, उस मंडप तक ओल वीडियो दिखाऊंगी मैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फेस ओपनिंग सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, एक सब मर्च करके मैं आपको दूंगी। सो मेरे तरफ से सभी हैशटैग फैमिली, सभी को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स, सभी को हैप्पी 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 गणेश चतुर्थी। सो गाइस, अभी हम गणपति लेने को जा रहे हैं टेम्पो में। तो टेम्पो के डोर पे बैठते हैं, तो इसके लिए ऐसा व्यू दिख रहा है आपको। तो हम टेम्पो में बस ऐसा पैर बाहर रखकर बस एंजॉय कर रहे हो, रोड साइड का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। रात के 3 बजे हम गए थे, तो फुल मज़ा आ रहा था। तो टेम्पो के बाहर डोर साइड पे बैठे हैं, तो जो भी गणपति में जाते हैं, मतलब टेम्पो में जाते हैं, लॉरी में जाते हैं, उनको ऐसा बाहर डोर पर बैठना बहुत इन्जॉयमेंट होता है, मेनली बॉयज़ को। तो सो गाइज, ये मैं हूँ जो टेम्पो पे बैठी हूँ, और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, हम सब गणपति लेने जाते हैं, तब हम टेम्पो में जाते हैं, और जब विसर्जन करने जाते हैं तब हम लॉरी लेते हैं बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। और जब मैं फेस गणपति लेने जाऊँगी तो फेस नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि स्टार्ट में फेस नहीं ओपन होता है। गणपति ले लिए, अब आरती करके लेके जाएंगे। रिचुअल होता है कि गणपति का फेस हाइड करना होता है, इसके लिए हाइड कर रहे हैं हम फेस। तो अब हम गणपति को लेके जा रहे हैं, अभी टेम्पो में रखेंगे, फिर वहाँ से घर पे लेके जाएंगे। प्लास्टिक शीट से इसलिए हाइड किया क्योंकि बारिश हो रहे थे, थोड़े थोड़े बूंद आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने प्लास्टिक शीट से सेफ्टी के लिए हाइड करके रखा है। अब इसमें रख के लेके जाएंगे। लॉरी में रख दिए हैं हम गणपति बापा को। अभी नेक्स्ट डोल के साथ आपको बताऊँगी किस तरीके से हम एंजॉय करके लेके गए थे। गाइज, अभी टेम्पो से गणपति को लेकर अभी हमारे घर पे मंडप में गणपति को रखने जा रहे हैं। जोर जोर से गणपति पापा मोरिया बोल रहे थे, एंड उसके अलावा डोल था, तो आपको थोड़ा सा आप सुन लिए होंगे डोल का वॉइस। अभी आरती निकालेंगे मॉम, आप आरती करेंगे, उसके बाद हम गणपति पापा को रखेंगे मंडप में। तो आरती गणपति पापा को कर रहे हैं एक बड़ा वेलकम के साथ। आरती हो गया है, अभी गणपति को रख रहे, नेक्स्ट डे आपको फेस ओपनिंग दिखाऊंगी। तो गणपति का फेस ओपनिंग होने के बाद हम गणपति को तुंड पहना रहे हैं। तो ये साउथ इंडियन में पहनते हैं, तमिल में ये पहनते हैं, तो राजा महाराजा लोग के टाइप हम गणपति को भी ये तुंड पहना रहे हैं कुछ इस तरीके से। तुंड पहनाने के बाद हम पीला धागा पहनाते हैं तीनों गणपति को। अय्यर में पहनाते हैं तमिल में, तो इसी तरीके से हम तीनों गणपति को पहना रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पहनाना, और तुंड तो हम ट्रेडिशनल इसलिए पहनाते हैं। और ये गणपति मटका के स्टाइल में है, हमारे गणपति कॉइन जैसे गिरते हुए लक्ष्मी के रूप में लोटस में बैठे हुए। डेकोरेशन भी कुछ उस तरीके से ही बनाए, ब्रह्मा लक्ष्मी का ऐसे बैकग्राउंड दिए हैं हमने, ऐसे क्लाउड्स के ऊपर ऐसे रहते हुए ऐसे उस तरीके से लुक दिया है। और ये बेबी शिव जी का गणपति मेरा भाई ने मन्नत रख के हर साल बनाते, तो इस साल कुछ इस तरीके से बनाए। सेम उनको भी पीला धागा पहना देंगे, और गणपति को पानी से लेके खाने से लेके सब प्रसाद रखते हैं। 10 डेज आए तो पूरी तरीके से हम सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ। गणपति के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, सारे नेबर्स रिलेटिव सब लोग आ जाते हैं गणपति के साथ बैठने को, उनके साथ उनको देखने को, उनसे मन्नत मांगने को, सब कुछ। और पूरा नाइट हम जागते रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि दिया अगरबत्ती सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। 24/7 10 दिन का हम गणपति रखते हैं। तो ये 10 डेज का गणपति है मेरे घर पर, तो इस तरीके से हम टाइम स्पेंड करते हैं बप्पा के साथ। और इस गणपति को भी हम धागा पहना रहे, साइमन का गणपति है। सो अभी हम हार पहना रहे हैं तीनों गणपति को, उसके बाद हम आरती स्टार्ट करेंगे।
सो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन है, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी का और गणपति का कुछ इस तरीके से लुक है। सारे डायमंड वर्क्स मेरा भाई ने किया हुआ है और सारे डेकोरेशन का सब काम मेरा भाई ने ही किया, अरुण ने। और गणपति कुछ इस तरीके से लोटस में बैठे हुए लक्ष्मी जी का रूप लेके मटका पकड़ते हुए है और इस तरीके से हमने रखा है। और ये बेबी गणपति है जो मेरा भाई ने बनाया। अगर आपको बेबी गणपति का लिंक चाहिए, आप किस तरीके से बनाए वो सब आपको देखना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके चैनल पर। आप उसमें क्लिक करते आप उसके चैनल पे विजिट करके ये वीडियो देख सकते हो। आरती होने के बाद हम सबको प्रसाद देते हैं, तो मैं हूँ जो प्रसाद दे रही हूँ। सो गाइस, गणपति लेने से रखने से सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब डेकोरेशन की बारी। कुछ इस तरीके से मेरे घर पे कुछ इस तरीके से हम लोग ने डेकोरेशन किया हुआ था, लाइटिंग किया हुआ था। कितना अच्छा सा एक प्यारा सा लाइटिंग है, मल्टी कलर्स का लाइट किए हुए थे। और कुछ इस तरीके से वहाँ पर स्नो घूम रहा है, कुछ इस तरीके से लाइट्स है। और देखो स्नो भी आपको दिख गया होगा। तो इस तरीके से लाइटिंग है कम्प्लीटली, मंडप तक हमने इस तरीके से लाइटिंग किया हुआ है। पेड़ रखते हैं तो कितना अच्छा होता है, आप देखो पेड़ पे भी बहुत अच्छे से हम लोग ने लाइटिंग किया है। मेरे डैड ने ये पेड़ रखा था, आज इतना बड़ा हो गया है पेड़, तो पेड़ हर एक को रखना चाहिए। तो बस, और देखिए कुछ इस तरीके से लाइटिंग है। तो इस तरीके से पूरा कम्प्लीटली हम लोग ने लाइटिंग दिया है। रात के टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था, 3 बजे के टाइम पर। सो कुछ इस तरीके से ये लाइटिंग है कम्प्लीटली, आपको दिखा रही हूँ, कम्प्लीट लाइटिंग दिखा रही हूँ। और ये मेरा न्यू मंदिर है, ओल्ड मंदिर जो पोंगल के बाद हमने फिर से बनवाया था, ओल्ड वाला मंदिर को तोड़कर ये न्यू वाला मंदिर बनवाया। ये मंदिर का नाम है सिद्धि होम सती मद्र वीरन टेम्पल। तो मद्र वीरन मंदिर है, तो इसमें गणपति बप्पा शिव जी सब है। ये कुछ साउथ स्टाइल में बनाया है, तो इसी बहाने आपको मंदिर भी दिखा ली। और ये गोल्डन कलर सब कुछ रख के गणपति हमने मतलब ये डेकोरेशन किया है, लाइटिंग किया हुआ है और कुछ इस तरीके से। और ये कलर चेंज होने वाला लाइट है। और सामने और एक घर है जिसमें गणपति के टाइम हम रेंट पे नहीं देते, हम रखते हैं ताकि हम लोग को यूज़ हो जाए। गणपति के टाइम सब सोते हैं तो इसलिए यूज़ हो जाए, तो इसके लिए। और कुछ गणपति कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं इस प्यारा से डेकोरेशन में। और इस बार तो लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी है, गणपति जी है, कृष्ण शिव जी, सब गणपति मिल के, सब भगवान मिल के आ गए हैं इसमें। और मैं आपको विसर्जन का भी व्लॉग देने का ट्राई करूँगी। आप देखो कितना प्यारा कलर ऐसा चेंज हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं, छोटा सा बेल बटन होगा उसे भी हिट करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको विसर्जन का व्लॉग देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइस। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।